नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति पी न्यूज़ और मैं नशा रुज़वा, एक नज़र देश विदेश की खबरों पर। अब अमेरिका के चुनाव में भी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का दाव, जो बाइडेन ने किया वादा। यूएस नेवी का विमान अलबामा में क्रैश, दो पायलटों की मौत। 100 भारतीय पर रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 का होगा परीक्षण, DCGI की मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री अगले हफ्ते आ रहे हैं भारत। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार, बोले बिहारियों को बनाया जा रहा है तस्कर। पीएम नरेंद्र मोदी के भ्रम फैलाने के आरोपों पर तेजस्वी का पलटवार, कहा हम तो अदना से ठेठ बिहारी हैं। आर्टिकल 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, हर जगह फेल हो जाते हैं तो कश्मीर और आर्टिकल 370 याद आता है। बिहार में पीएम की रैली पर ओवैसी का निशाना, दो घोड़ों पर सवार हैं पीएम, उन्होंने कहा कि LGP का जिक्र क्यों नहीं किया। बिहार के बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने भी किया मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती। GST और लॉकडाउन के चलते बीड़ी कारोबार की कमर टूटी, भूखमरी के कगार पर हैं बीड़ी श्रमिक। RGD की सभाओं में हमेशा उमड़ती है भीड़, लेकिन वोट मिलते PM बदल देगी चुनाव का माहौल। अब खबरें खेलकूद की। IPL में कैसा होगा आगे का सफर, प्लेऑफ में 3 टीमों की जगह लगभग पक्की। KKR समेत 5 टीम चौथे नंबर की दौड़ में। मुंबई ने चेन्नई को 10 विकेट से हराया, CSK पहली बार लीग में 8 मैच हारी, प्लेऑफ की राह मुश्किल, मुंबई टॉप पर। शुरू हुई नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह की शादी की रस्में, सामने आई मेहंदी और हल्दी सेरेमनी की पहली झलक। कंगना रनौत के खिलाफ एक और FIR, कंगना रनौत पर लगा न्यायपालिका के अपमान का आरोप। एक्ट्रेस के खिलाफ 10 दिनों में 3 FIR दर्ज हुई।